हेलो फ्रेंड्स, आज ही आम एएसओ एग्जाम रो प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो फ्रेंड्स देखुथे आपन एटा होची 2015 मसीहार क्वेश्चन मैथमेटिक्स एएसओ रो। तो आज आम डिटेल्स एक्सप्लानेसन सहित प्रश्न गुड़िकर समाधान करवा। तो चलतु प्रथम प्रश्न आम आलोचना करवा। दि डेसिमल एक्सपानसन अफ 23 बाय 2 टू दि पावर 3 इंटु 5 टू दि पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। तो ये क्वेश्चन अच्छी जे ये जो संख्याटा दिखे यही संख्याटा के दशमिक पर टर्मिनेट कर दशमिक पर के संख्या केतोटी अंक पर्यंत यहाँ जीव से हूँ प्रश्न। तो आम जब दशमिक रे प्रकाश करवा दशमिक पर केतोटी अंक रहा हूँ क्वेश्चन। तो आम 23 बाय यहाँ कौन कह 2 टू दि पावर 3 मानने कौन 8, 5 टू दि पावर 2 मान कौन 25। तो यहाँ है 23 विभक्त 25 गुण 8 है कैसे 200। तो यहाँ को जब आप 23 हरण 200 बोले आंसर पाई 23 हरण 200 जब करेंगे आंसर मिल जाव कि लेंदी हे। तो सर्टकट केमी करवा 23 हरण 200 को आम कौन करवा 23 हरण 2 गुण 100 कर। तापर 23 हरण 2 के मैंने 22 हेल्ले 11 ही था 23 हेल्ले 11.5 डिवाइडेड बाय 100। तो देख ये कतेटा जीरो अच्छे दुईटा जीरो अच्छी। तो दशमिकटा बाम आड़क दुईटा डेगी दुईटा अंक डेगी तो यहाँ गला दशमिक 115। तो दशमिक पर कतेटा अंक पर्यंत गला 3टा अंक पर्यंत गला। तो यहाँ आंसर हो 3 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेसनाल नंबर, ए रेसनाल नंबर, नाइदर रेसनाल नर इरेसनाल नंबर, होल नंबर। तो ये 3 प्लस 2 रूट 5 जेहेतु देखिए रूट 5 जेहेतु अच्छे आम जाने जे रूट 2 रूट 5 रूट 3 एसबु हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जदि गोटे परिमेय संख्या सहित मिसले गोटे अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ हूँ इरेसनाल नंबर। तो मुझे कथा कहीदे परिमेय संख्या आम क्या कहवा तो जो संख्या को आम पी विभक्त क्यू रूप से लिखिपर जमीक 2/3 पी ओ क्यू रसा को एक होूटा जीरो ही नथिबो एवं पी ओ क्यू गोटे गोटे पूर्ण संख्या होइथिबो कंडीशन जो सैटिस्फाई गला ताको आम परिमेय संख्या कही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फर ए एंड बी बिंग को प्राइम देन ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर आर ए ओ बी जदि को प्राइम हे तेल ए स्क्वेयर आउ बी स्क्वेयर कौन हम मे और मे नॉट बी को प्राइम नेवर को प्राइम ऑलवेज को प्राइम नो नो दि। तो आम देखा को प्राइम कौन को प्राइम है जो दुईट संख्यार गसागुटा एक हुए तेल से मानक आम को प्राइम कहवा जमीक धर दुई आउ तीन दुई आउ तीन रसागु के एक। तो यह को प्राइम हे पाँच आउ नौ जदि भी नौ गोटे जौगिक संख्या किंवा अजुग्म संख्या पाँच आउ नौ रसागुटा है एक सेतिपाई एमाने मध्य को प्राइम। तो जुग्म संख्या मध्य को प्राइम हो पारे जुग्म एवं अजुग्म मध्य हो पारे मौलिक संख्या गोटिए एवं गोटिए जौगिक संख्या मध्य को प्राइम हो पारे। तो एबे आमे देखिबा जदि ए आउ बी जदि को प्राइम हेले ए स्क्वायर आउ बी स्क्वायर कौन हम गोटे एग्जांपल नेबा 2 आउ 3 2 रो स्क्वायरटा केते 4 3 रो स्क्वायरटा केते 9। तो ए दुटा कौन 4 आउ 9 रो गसागु केते हला 1। तो एमाने सबु बेले कौन हेबे को प्राइम हेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा 4 नंबर क्वेश्चन दि लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दि नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इनक्लूसिव इच माने 1-10 पर्यंत एमती गोटे संख्या कह एमती गोटे क्षुद्रतम संख्या कह जहाँकि 1-10 पर्यंत सब संख्या द्वारा विभाज्य हेब तार अर्थ 1-10 पर्यंत तुम्हें इनडायरेक्टली कह एलसीएम काढ़। तो एलसीएम काढ़ तो एमती जदि आम एलसीएम काढ़ा तो आमको टी बेसी समय लगे। तो केमी आम कम समय काढ़ा से कहूँ देखो आपड़ कौन करेंगे 1-10 पर्यंत लिखिदेव तार मौलिक गुण नियोग काढ़ी ने। तो 1 तो 1 लिखा पड़ो ना 2 को आम के लिखिपर 1 into 2 3 को कौन लिखा 1 into 3 4 को कौन लिखा 2 into 2 5 को कमी लिखा 1 into 5 6 को कमी लिखा 2 into 3 तापरे 7 को कौन केमी लिखा 1 into 7 8 को लिखा 2 into 2 into 2
तीन थर नाइन को लिखा थ्री इंटु थ्री, टेन को लिखा टू इंटु फाइव। तापर देखा के संख्या गुड़िक सर्वाधिक थर नहीं जा। तो प्रथम दुई देखा मौलिक गुणनियोग रूप प्रकाश करदे दुई केते थर अच्छी तीन थर अच्छी मान आठ दुईर क्यूब हाइजेस्ट टाइम ने आठ आठ लिखीदेली। तापर तीन को देखा तीन टा दुई थर अच्छी सर्वाधिक तो मानने सबुति कंपेयर करवा जिते थर अच्छी नहीं जावा तीन दुई थर अच्छी मान नौ आठ गुण नौ होगा। तापर के पाँच अच्छी सात अच्छी तो आठ गुण नौ गुण पाँच गुण सात होगा आमर लसागु। तो यहीटा को आपड़ गुण करेंगे आठ गुण नौ गुण पाँच गुण सात आठ गुण बास्तर बास्तर गुण पाँच के सतुर गुण पाँच है तीन सौ पचास आउ दुई गुण पाँच है दस तीन सौ षाठी। तापर तीन सौ षाठी गुण सात तीन सौ षाठी गुण सात आपदे सात सौ सात शून्य शून सात सौ बयालीस दुई चार सात एक चार पचिश कोड़े हे। तो आपड़ जमी हो जहाँ को जमी सुविधा होमती करेंगे यही हिसाब से आपे। तापर दे देखु इन यूक्लिड्स डिविजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी देन नंबर्स ए एन आर आर माने यूक्लिड लेमा रे ए एवं आर को आम कौन कह देख ए इक्वल टू कौन दे इक्वल टू दे क्यू प्लस आर आमर ओडिया रे जदि कहले एटा को आमे कौन कही था आपणकर भाज्य इक्वल टू भाजक गुण भागफल जोग भागशेष। तो एटा कौन इंग्राजी रे भाज्य को आम कौन कहूँ डिविडेंड कही था भाजक को डिविजर बा डिवाइजर कही था भागफल को कोसेंट कही था आर को रिमाइंडर कही था। तो आमको कौन मागिचे ए आउ आर मागिचे तो ए हेला आपणकर डिविडेंड आर हेला आपणकर रिमाइंडर एटा मन रखु एटा के यूक्लिडियो लेमा मध्य कहंती। सिक्स नंबर देखिबा इफ ए एंड बी आर टू ऑड प्राइम नंबर्स देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑड प्राइम नंबर माने कौन अजुग्म मौलिक संख्या अजुग्म माने सपोज गोटे तीन आ गोटे पाँच ये अजुग्म मौलिक संख्या ताहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरटा कौन हेब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने कौन ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी एमती आम लिखिपर। तो एग्जांपल नहीं करवा ए प्लस बी माने कौन पाँच आउ तीन मिसले के आठ आउ पाँच पाँच रु तीन माइनस है दुई तो यही दुईटा को गुण कले के षोह तो यहाँ कौन हो गए कंपोजिट नंबर होषोह गोटे कंपोजिट नंबर सब बिल्कुल इभेन हेब बोल किसी माने ना। तो यहाँ को आम कौन कह गोटे जौगिक संख्या बोली कह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सात नंबर इफ टू पॉजिटिव इंटेजर्स इफ टू पॉजिटिव इंटेजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एच पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए क्यूब बी देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू देख पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर देखिए आ गए दिखाई ए क्यूब बी पी आउ क्यू तो जोटा सर्वाधिक थर थी सहीटा आम नहीं था। तो सर्वाधिक थर कौटा अच्छे ए क्यूब अच्छी आउ बी सर्वाधिक थर कौटा अच्छे बी स्क्वायर अच्छी तो यहाँ है एलसीएम एलसीएम होगा ए क्यूब बी स्क्वायर जदि एच सी एफ आपन को मागि था कम थर जोटा अच्छे सेटा नहीं था ए के थर ये थे ये तीन थर अच्छे तो थे ने दुई थर ये थे अच्छे थे ना तो एच सी एफ होते ए भी होता कि एलसीएम टा सर्वाधिक थर आम नहीं था। तो से होगा ए क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर तो मुझे जोटा कहूँ से ठीक जो बाय मिस्टेक कोई ऑप्शन रे दे दूसरी भी आपड़ कहलाटा को काउंट करेंगे। आठ नंबर है ए रेशनल नंबर एक्स इक्वल टू पी बाय क्यू हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपानसन इफ माने एथर आपर डेफिनेसन बहुत पड़ी दि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू टू द पावर एन इंटू फाइव टू द पावर एन व्हेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीरियर्स माने गोटे गोटे संख्या केते बिले टर्मिनेटिंग हेबो मन कर पचास दुई विभक्त पचास तो पचास को आम कौन एमती लिखि पार्थ्वा कथ दुईर घात के दुई एवं यहाँ दुईर घात एक एवं पाँच रत दुई तो एमती जदि लिखिपारे सीटा टर्मिनेट होता है आउ जदि टू टू दि पावर एम ए टू फाइव टू दि पावर एन हिसाब से लिखिपारे ना से टर्मिनेट हेना। तो ये कही जो घात ये एक आठ दुई अच्छी से कौन है कथा टर्मिनेटिंग होगापी से आपणकर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा कथा
कौन हेबा कथा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हेबा कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 9 नंबर देखिबा ए रेशनल नंबर ऑफ 1.16 बार इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो एटा को आपण कोण करिवे आपण परिमेय संख्या रे प्रकाश करिवे माने भग्न संख्या रे प्रकाश करबा को पड़िबो। तो x इक्वल टू आमे नै जिबा 1.16 बार तापर 10x नै जिबा 10 गुण करबा। तो एटा सुविधा हेबा पई आपण एमिति लेखि परिबे 1.161616। तो आमे चारटा डेसिमल पर्यंत नेबा। तो 10x हेले कोण हेबो गोटे दशमिक साइड को डेगी जिबो 11.616 हे जिबो। तापर 100x 10 10 गुण करबा तो पुणी गोटे डेसिमल साइड डेइबो तो 116.16 हे जिबो। तो आमे केते बेलो पर्यंत नेबा जेते बेलो पर्यंत दशमिक पर संख्या बा दशमिक पर अंक समान न होईची। तो ए जगह रे देखो एक्स रो एक्स पर के 10x पर एक्स पर केते होची आपनकर एक्स पर होची 1.1616 होची दशमिक पर केते होची 1616 होची। तो 100x रे मोर दशमिक पर 16 होची एटा डॉट 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 रहइबो 1616 होची। तो 100x रु एक्स को आमे माइनस करि देबा एडे 116.1616 रु 1.1616 को माइनस करि देबा। तो 100x माने बापट डाहाण पट आमे माइनस करिबा तो एटा हेबो ए प्रकार हेबो। तो 100x रु x गला 99x इक्वल टू 116 रु 1 गला 115 ए 16 टा कटि जिवो। तो x इक्वल टू हेला 115/69। तो एटा हेला आपनको 115/69 ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा the highest power of the variable in a polynomial is called। धर गोटे पॉलिनोमियल अछि 2x³ + 5x² + 3। तो एठी जो हाईएस्ट पावर जे ए जो 3 अछि एटा को हम कोन कहि थाउ एटा को हम कोन कहि थाउ डिग्री कहि थाउ एटा को हम डिग्री कहि थाउ आउ बेसी डिस्कशन करिवा नै। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एटा फार्मूला अछि आपण समस्त जानिथिबे। यदि ax² + bx + c इक्वल टू जीरो रो दुईटा बीज बा रूट अल्फा आउ बीटा हुए ताहेले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हुए -b/a एवं अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू हुए c/a। तो अल्फा प्लस बीटा केते हेबो सेटा हमकु मागि जे -b/a देखिबा कोटी ऑप्शन अछि आपणकर बी अछि करेक्ट ऑप्शन। तापर देखिबा इफ ए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ k माने एई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो गोटिए रूट जीरो माने कोन गोटिए रूट होची 2 ताहेले वैल्यू ऑफ k केते यदि रूट हेबो ताहेले 2 रो वैल्यू एठी पुट करिबा x जगह रे पुट करले सेटा जीरो हे जइबो। तो x² + 3x + k इक्वल टू 0 केते बेले 0 हेबो जते बेले 2 पुट करिबा 2² + 3 × 2 + k = 0। तो एटा ला 4 एटा गला 3 × 6 6 आउ 4 ला केते 10 10 प्लस के इक्वल टू 0 10 10 प्लस के इक्वल टू 0 ताहेले के इक्वल टू ए 10 से आडे गले कोन हेबो -10 हे जइबो ऑप्शन हे जइबो डी। तापर देखिबा एटा तीनटा देसी देखंतु अल्फा बीटा एवं गामा आर द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + bx² + cx + d देन अल्फा बीटा गामा इच माने ए तीनटा बीज बा तीनटा रूट रो गुणफलटा केते। तो एटा मने रखंतु अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आपनकर हेबो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हे जाय -d/a हुए कोन हुए -d/a। तो एटी गोटी ऑप्शन होची बी हेबो करेक्ट आंसर। तापरे आ गोटे एटा मने रखंतु एटा तो अल्फा बीटा गामा मागिछि अधिक कथा टिके मु कहूछि अल्फा प्लस एटा काम देबो नेक्स्ट इक्वेशन रे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा केते होई थाए -b/a होई थाए आउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ए बी बी सी सी फॉर्म रे ओटा अछि एटा हेते c/a एटा मने रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा 13 तो बी हेला तापर 14 देखिबा इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + c इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो। तो एठी कोन देछि देखंतु
ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ବିଟା ଆଉ ଗାମା, ବିଟା ଇଣ୍ଟୁ ଗାମା କେତେ ବୋଲି କହିଛି। ମାନେ ଏହାର ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ହେବ ଏବଂ ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବିଟା ଇଣ୍ଟୁ ଗାମା କେତେ? ତ ଏଇଟା ଆମର କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା, କ'ଣ ହେବ? ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମାର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ମାଇନସ୍ ବି ବାଏ ଏ ହୁଏ, ମାଇନସ୍ ବି ବାଏ ଏ। ମାଇନସ୍ ବି ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ। ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ଏଠି ଅଛି? ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ମାଇନସ୍ ଏ, ଆଉ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ବାଏ ଏ ମାନେ ହେଲା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ, ତ ଏ ୱାନ୍। ତ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ ଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱାସନ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱାସନ୍ ୱାନ୍ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଦେଇଛି? ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା। ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏ, ମାଇନସ୍ ଏ ବାଏ ୱାନ୍ଟା ମାଇନସ୍ ଏ। ତାପରେ ଏଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱାସନ୍ ୱାନ୍। ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାସନ୍ ୱାନ୍ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ କରିବା ନାହିଁ। ତ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ପାଇଗଲେ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାମରେ ଆସିବ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ଆଲଫା ବିଟା, ବିଟା ଗାମା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଆଲଫା ବାହାର କରିବା। କେତେ ହୁଏ ତାହାର ଭ୍ୟାଲୁ? ତାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ଯଦି ସି ବାଏ ଏ ହୋଇଥାଏ। ସି ବାଏ ଏ ମାନେ, ସି ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଏକ୍ସର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି? ବି ଅଛି, ବି ବାଏ ଏ, ଏଇଟା ୱାନ୍। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା। ତ ଆଲଫା ବିଟା ବିଟା ଗାମା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ମାଇନସ୍ ବିଟା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ମାଇନସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଗାମା, ଆଉ ଏଠି ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ମାଇନସ୍ ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ମାଇନସ୍ ବିଟା ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଗାମାକୁ ପାଖେ ଲେଖିଦେବା, ଆର ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି। ତ ଏଇ ବିଟା ଗାମା ମାଇନସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଯଦି ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଟା ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି? ବିଟା ଗାମା ମାଗିଛି, ବିଟା ଗାମା ମାଗିଛି। ତ ଏ ବିଟା ଗାମା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଟା ମାଇନସ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଏ ସରି ବି ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଗାମା ହେଇଯିବ। ତ ବିଟା ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ବିଟା ଗାମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା। ତ ଇକ୍ୱାସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା କେତେ ବାହାରିଛି? ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଗାମା ଆମର ବାହାରିଥିଲା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ? ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବି ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 15 ନମ୍ବର କରିବା। ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜିରୋ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲ୍ କେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ କେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ -3 ଦେନ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କେ। ତ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱାସନ୍ ଦେଇଛି ବା କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ଟା -3, ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ଟା -3 ବା ଗୋଟିଏ ଜିରୋଟା -3 ହୁଏ ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କେଟା କେତେ? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ -3 ପୁଟ୍ କରିଦେବା ଆର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ କରିଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେ -1। ତ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ -3 ପୁଟ୍ କଲେ -3ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ କେ ଇଣ୍ଟୁ -3 ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଦେଖ -3ର ସ୍କୋୟାର୍ କେତେ? 9। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 9 ଗୁଣ କରିଦେଉଛି, 9K -9, ଆଉ -3 ଆଉ କେ ଗୁଣ ହେଲେ -3K ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଏଇଟା 9K ରୁ 3K ଗଲା 6K, ଆଉ -9 ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା -8, 6K -8 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ 6K ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8, କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8/6, ଯେଉଁଟା 4/3 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 16। ଇଫ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏମ୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଦେନ୍ ଦି ପସିବୁଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଦି କୋସେଣ୍ଟ ଇଚ୍। ତ ମନେକର ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ସପୋଜ୍ ଅଛି 2 + 1। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ମନେକର ଏନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ତ
तो जो रिजल्ट बाहर सीटा के डिग्री हेबो सेटा निहाती भाव थ्री माइ ए जगह थ्री माइनस टू होता तो एन माइनस एम डिग्री हेबो पॉसिबल जेहेतु कही एन माइनस एम डिग्री हेबो। सतर नंबर प्रश्न करवा इफ अल्फा एंड बीटा आर दि जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू देन दि वैल्यू ऑफ वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा केते तो ये आम कौन करवा यार वैल्यू बाहर करार अच्छी तो यू जब आम भग्नांशर वियोग करदे तो कौन अल्फा और बीटा जीव लसा को अल्फा बीटा तापर अल्फा अल्फा कटिगला उपरे हला बीटा माइनस अल्फा तो एतिके होची तो बीटा माइनस अल्फाटा कौन हुए अल्फा प्लस बीटार स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटार वर्गमूल होता है तले तो अल्फा बीटा अच्छे अल्फा बीटा लिखीदे तो ये आम काढ़ कौन अल्फा प्लस बीटार भैल्यू के अल्फा बीटा के तो आम जाने अल्फा बीटाटा कौन हुए अल्फा प्लस बीटाटा कौन हुए सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी बाय ए हुए तो माइनस बीटा कौन एक्स रस हम तो माइनस बी माने वन आउ ए माने कौन वन माइनस बी बाय ए जेहेतु हुए यहाँ हो गला माइनस वन अल्फा प्लस बीटा है माइनस वन तापर अल्फा इंटू बीटा के सी बाय ए तो सी जगह के माइनस टू अच्छी तो माइनस टू बाय वन तो माइनस टू देख अल्फा प्लस बीटा है माइनस वन अल्फा बीटा है माइनस टू तो यही जगह हमें पुट कर देबा अल्फा प्लस बीटार स्क्वायर माने के माइनस वन स्क्वायर मुझे लिखुची माइनस वन स्क्वायर माने वन माइनस फोर इंटू अल्फा बीटाटा केल्फा बीटाटा माइनस टू माइनस अच्छी आउ अल्फा बीटाटा पुणी माइनस टू अच्छे तो फोर इंटू माइनस टू के माइनस एट आउ ए माइनसटा हो गला प्लस एट रूट ओवर बाय अल्फा इंटू बीटाटा के माइनस टू तो यहाँ प्लस माइनस ना रूट ओवर जेहतु नौ प्लस माइनस ना तो आठ आउ एक नौ स्क्वायर रूट के प्लस थ्री भी हो पारे माइनस थ्री भी हो पारे तो यहाँ होगा प्लस माइनस थ्री बाय माइनस टू के यार वैल्यू के प्लस माइनस थ्री बाय माइनस टू तो प्लस जिते बेले ना तो थ्री बाय माइनस टू हो थ्री बाय माइनस टू होगा आज जिते माइनस ना माइनस थ्री बाय माइनस टू हो तो माइनस माइनस कटिगला तो थ्री बाय टू कि माइनस थ्री बाय टू हो करेक्ट आंसर और जोटा अच्छी ऑप्शन अच्छी बी। अठर नंबर नवा द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन के एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस के वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन रे कौन हुए यूनिक दुईटा इक्वेशन रो यूनिक सॉल्यूशन पाई ए वन बाय बी वन डज नॉट इक्वल टू ए टू बाय बी टू होता है कंडीशन टा तो ए वन टा ये के तापर बी वन टा के वन तो के बाय वन डज नॉट इक्वल टू ए टूटा के टू ए टू मैंने आपण एक्स रग वन आी टूटा के टूटा हूँ आपण के तो यहाँ होगा के इंटु के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू बज्रगण कले वन तो के स्क्वायर वैल्यू वन होगा कथा नुह अर्थ के रैल्यू तार स्क्वायर रूट नहीं गली वन स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन प्लस वन कि माइनस वन जदि है सल्यूसन रहा तो ये यहाँ हेना यहाँ हेना तो के रैल्यू जी दुई हे माइनस वन कि एक हेना तार अर्थ कौन दुई हेले भी चलो तो करेक्ट आंसर हो सी। तापर देखिए नेक्स्ट आपणकर देखा नाइंटीन क्वेश्चन देखा नाइंटीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नो सॉल्यूशन ए सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन ए सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन ए सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन ऑल ऑफ द एबो तो देखो गोटे गोटे डिस्कशन करवा ए सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन माने कौन जार गोटे सॉल्यूशन थाई पारे एटलिस्ट वन सॉल्यूशन जार थी आम कंसिस्टेंट कही था तो ये आम क्वेश्चन कौन मांगी हुई जब पुलिंग विल है नो सॉल्यूशन मैंने एटलिस्ट गोटे सॉल्यूशन दिले कंसिस्टेंट जदि सॉल्यूशन नहीं ताको आम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कही था तो करेक्ट आंसर बी हो तथा सी उपरे आम जानवा ए सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन माने दुईटा इक्वेशन डिपेंडेंट हेले सेमानकर इनफिनाइट सॉल्यूशन थाए असंख्य समाधान रहिबो। 20 नंबर द वैल्यू ऑफ सी फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन सिक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एंड सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो विल हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे कंडीशन टा कौन ए वन बाय बी वन इक्वल टू ए टू बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू तो ये ए वन टा के सी बी वन टा के माइनस वन तापर ए टूटा के सिक्स आउ बी टूटा के माइनस टू त
तो सी बाय माइनस वन आउ तीन नंबर न कले भी चलो सी बाय माइनस वन इक्वल टू सिक्स बाय माइनस टू तो माइनस देख माइनस टू सी इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस टू सी इक्वल टू माइनस सिक्स सी इक्वल टू माइनस सिक्स बाय माइनस टू दैट इज थ्री थ्री हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर क्यू इक्वल टू वाई प्लस थ्री आर इक्वल टू वाई प्लस टेन एंड एस इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव देन पी क्यू आर एस वैल्यू मागिचे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रे कोन हो एटा जदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हेबो पी क्यू आर एस जदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हेबो पी प्लस आर इक्वल टू एक सौ अशी डिग्री हेबो माने पी कोण एवं आर कोण मिसिकी एक सौ अशी डिग्री एस कोण एवं क्यू कोण मिसिकी एक सौ अशी डिग्री हेबे तो सेटा आमे देखिबा सेमिति सॉल्व करिबा तो पी एवं काहाको मिसेबा पी क्यू पी एवं आर मिसेबा ए दुईटा दुईटा मिसेले केते हेबो देखो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर्टीन टू एक्स प्लस एटाक मिसेब मुझे डायरेक्ट करदे प्लस फोर्टीन इक्वल टू वन एटी तो टू टू कमन पलिगला एक्स प्लस वाई प्लस सेवेन इक्वल टू नाइंटी आम लिखिपर एमती तो एक्स प्लस वाई प्लस सेवेन इक्वल टू नाइंटी ताल एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइंटी माइनस सेवेन तो मुझे जो दुई दुई एथी लिखा कथा लिखी ना कहीं डायरेक्ट काटिदे एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइंटी माइनस सेवेन इक्वल टू है एटी थ्री एटा गोटे इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एटी थ्री तो सेमिति आपड़ क्यू एवं एस को जब मिसेबे तेल से फोर एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू वन एटी एटा आप निजे करेंगे मुझे तापर माइनस करदे माइनस माइनस प्लस ये दुईटा सियाड़े नहीं गले के माइनस दुईटा एक सौ बयासी होता काटिदे ये माइनस देख वाई वाई कटिगला एक्स माइनस फोर एक्स है माइनस थ्री एक्स तेयासी रु शह बयासी जो गला से माइनस नाइंटी नाइन माइनस नाइंटी नाइन तेल एक्स इक्वल टू माइनस नाइंटी नाइन बाय थ्री दैट इज थर्टी थ्री एक्स जो थर्टी थ्री है एक्स प्लस वाईटा केयासी एक्स जो थर्टी थ्री है वाईटा के फिफ्टी तो एक्स थर्टी थ्री पाईगले एक्स थर्टी थ्री वाई फिफ्टी प्रथमटा के टू एक्स प्लस फोर अच्छी एक्सटा थर्टी थ्री मैंने कौन थर्टी थ्री इंटू टू सिक्सटी सिक्स प्लस फोर सेवेन्टी पीटा सेवेन्टी होगा क्यूटा के वाई प्लस थ्री वाई मैंने के फिफ्टी अच्छी फिफ्टी प्लस थ्री फिफ्टी थ्री तो यहाँ सतुर हेल्ले आरटा तो पी प्लस आम कौन कर आर आरटा शहे दस हो आईटा हो फिफ्टी थ्री जो वन ट्वेंटी सेवेन हो तो आपणकर करेक्ट आंसर हो करेक्ट आंसर सतुर तेपन एक सौ दस एवं शहे सतैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रियल एवं डिस्टिंक्ट रूट पर कौन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है ग्रेटर देन जो जीरो है रियल एंड अनइक्वाल रूट रियल एंड अनइक्वाल रूट्स थाए लेस देन जीरो जो है अनरियल रूट्स थाए तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो डिस्टिंक्ट माने कौन रियल एंड डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट रूट जेहेतु कहूँ तो यहाँ हो सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन जीरो हेबो करेक्ट आंसर रियल एंड डिस्टिंक्ट जेहेतु कहूँ रियल एंड इक्वल हेले सेटा बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो होता है तो करेक्ट आंसर हो बी हो करेक्ट आंसर डिस्टिंक्ट माने अलग अलग रूट तापर ट्वेंटी थ्री देखा दि फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज वन एंड दि इलेवेन्थ टर्म इज माइनस सेवेन्टीन हुई टर्म ऑफ दि एपी इज माइनस सेवेन्टी सेवेन तो देख फाइव नंबर टर्मटा हूँ एक तो टीएन फॉर्मूला गोटे अच्छी आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी जो जोठार एटा प्रथम पद एनटा केम पद और डीटा हूँ साधारण अंतर तो कैसे मागिच पाँच नंबर पदटा कही एक कही तो टी फाइव इक्वल टू कौन हम ए जगार आम जानू ए लिखा आ फाइव एन माइनस वन मैंने कौन फाइव माइनस वन एनटा के पाँच नंबर पद मैंने कौन एन जगार पाँच लिखा फाइव माइनस वन मैंने फोर फोर डी इक्वल टू के वन वन दे प्लस फोर डी इक्वल टू है वन सेमि एगार नंबर पद ये फर्मूला पकई कले से ए प्लस टेन डी इक्वल टू हो माइनस सतर तापर कौन करवा विजोग करदे
ए कटिज विजोग कले फोर डी माइनस टेन डी, फोर डी माइनस टेन डी से माइनस सिक्स डी, माइनस सिक्स डी इक्वल टू आपणकर माइनस कले प्लस सतर हो सतर मिसिक अठर हो तो डी इक्वल टू हो माइनस थ्री, डी इक्वल टू के माइनस थ्री। तो कौन मागे आमको आमको मागी के नंबर टर्मटा माइनस सेवेन्टी सेवेन, डी इक्वल टू मिलगला के डी इक्वल टू मिलगला माइनस थ्री। तो ए आमको काढ़ाक हे डी इक्वल टू जदि माइनस थ्री है ए इक्वल टू के ए प्लस फोर डी इक्वल टू के वन। तो ए प्लस फोर डी मान कौन फोर गुण थ्री, फोर गुण माइनस थ्री, फोर गुण माइनस थ्री मान कौन माइनस बार, ए माइनस बार इक्वल टू वन, ए इक्वल टू बार प्लस वन है तेरह। तो ए रैल्यू तेर, डी रैल्यू माइनस तीन होगा और ए रैल्यू तेर होगा। तो केते नंबर टर्मटा माइनस सेवेन्टी सेवेन कह मन कर एन नंबर टर्मटा माइनस सेवेन्टी सेवेन। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस सेवेन्टी सेवेन। तो ए जगार के बस तेर, एन जगार के बस एन माइनस वन आई जगार बस माइनस तीन इक्वल टू माइनस सेवेन्टी सेवेन। तो यहाँ सल्व कले कौन है थर्टीन माइनस थ्री एन प्लस थ्री, थर्टीन माइनस थ्री एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस सेवेन्टी सेवेन। तो यहाँ लिखा थर्टीन माइनस थ्री एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस सेवेन्टी सेवेन, माइनस थ्री एन प्लस सिक्सटीन इक्वल टू सेवेन्टी सेवेन, माइनस ताहले माइनस थ्री एन इक्वल टू माइनस सेवेन्टी सेवेन माइनस सिक्सटीन। तो यहाँ हो आपणकर माइनस थ्री एन इक्वल टू माइनस नाइंटी थ्री आउ एन इक्वल टू नाइंटी थ्री बाय थ्री जोटा कि थर्टी वन हे करेक्ट आंसर। चौबीस नंबर देखा, चौबीस नंबर क्वेश्चन देखा सॉरी चौबीस नंबर देखा, चौबीस नंबर कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, एपी रे किए अच्छे एपी रे थी कौन हे साधारण अंतर सामान हुए। तो कमी जानवे टू ए रु ये माइनस करदे जिते हे ए प्लस बी रु टू ए को माइनस कले से होता कथा, तो से होना यहाँ तो आंसर हो माइनस बी ए माइनस बी रे बी जो कले पुणी से बी जो कले बी। तो ये साधारण अंतर के बी अच्छी तो अन्य कौन सी साधारण अंतर सामान ना। फर तो ट्वेंटी फाइव नंबर आम करवा फर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म अप टू एपी सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवेन एंड थ्री टेन सेवेन इक्वल, माने एन रो क्यों वैल्यू पाई दुईटा एपी समान हेबे। तो एन माने कौन एन टर्मटा सामान अच्छी, तो आम कौन करवा बोथ केस रो एन टर्म फर्मूला पकेबा। एन टर्म रो फर्मूला कौन ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी। तो प्रथम केस पाई फर्मूला पकेला प्रथम पदटा के सिक्सटी थ्री एन, तो आमको काढ़ एन माइनस वन डीटा के साधारण अंतरटा के द्वितीय पद रु प्रथम पद काटिदे सिक्सटी फाइव रु सिक्सटी थ्री काटिले टू। तो यहाँ गला सिक्सटी थ्री प्लस टू एन माइनस टू, तो सिक्सटी थ्री रु टू गला के सिक्सटी वन प्लस टू एन यहाँ बाहरी गला या सहित तो आरटा मध्य सामान हे कार मध्य ए प्लस एन माइनस वन डी गली कौन हम प्रथम पदटा के थ्री एन माइनस वन डीटा के माने देख सात पर तीन पर दस दस पर सतर अच्छे तो साधारण अंतर है सात। तो यहाँ गला थ्री प्लस सेवेन एन माइनस सेवेन, तो यहाँ के सेवेन एन माइनस फोर। तो ये दुईटा को आम सामान करदे, तो देख ये सेवेन एन को याडे नीले के टू एन माइनस सेवेन एन टा के माइनस फाइव एन आउ ए सिक्सटी वन को सैड को नीले के माइनस फोर माइनस सिक्सटी वन, तो माइनस फाइव एन इक्वल टू माइनस सिक्सटी फाइव, माइनस फाइव एन इक्वल टू माइनस सिक्सटी फाइव। ताहले एन इक्वल टू कौन माइनस सिक्सटी फाइव बाय फाइव दैट इज थर्टीन हे करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज आम केवल पचिशटा क्वेश्चन करवा आसंता काली आम पुणी आउ पचिशटा करके पचासटा कम्प्लीट करवा। जदि आपको भल लगे निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ।